अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ कीमा एक नए तरीके से। इसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए उसमें है 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, ये मोटा कुटा हुआ है, और ये 1 टेबलस्पून खसखस है, और 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल है। अब इन चारों चीज़ों को मैं भून लूँगी, इनको ऐसे ही मैंने भूनना है। और ये बिल्कुल एक नए तरीके से बनने वाला कीमा है और बहुत मज़े का बना है, इतना मज़े का बनता है, आप भी बनाइए और मुझे बताएं कैसा बना है। ये मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं, इनको मैंने इधर निकाल लिया है ताकि थोड़े ठंडे हो जाएं। अब मैंने एक जार लिए, इसमें मैंने 6 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, और ये वाली मिर्चें ज़्यादा तेज़ नहीं हैं। अगर आपके पास छोटी मिर्चें हैं वो तेज़ होती हैं, आप उसमें 4 या 5 भी ले सकते हैं। धनिया लिया मैंने आधी गट्ठी हरा धनिया, अब मैं इसमें डाल दूँगी जो मसाले भुने थे वो सारे मसाले इसमें डाल दूँगी, जिसमें ज़ीरा, धनिया पाउडर, सफ़ेद तिल और खसखस हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 कप ऑयल, ये मेरी बोतल में ऑयल ख़त्म हो गया था फिर मैंने दूसरे वाली ली। दूसरी बोतल से ये अब मैंने ली है ऑयल, 1/2 कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब हम इन सबको कर लेंगे ब्लेंड। ब्लेंड मैंने कर लिया इन सारे मसालों को, ये देखें कितने अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं। अब हम इसको डाल देंगे एक बाउल में और बाकी के मसाले इसमें डालेंगे। ये इसमें अब मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के 2 चम्मच हैं ये तकरीबन अदरक और लहसुन का, इन दोनों को मैंने चॉप कर लिया है। 2 टेबलस्पून है अदरक और लहसुन चॉप किया हुआ, ये 1/2 टीस्पून है नमक और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। ये हो गई कीमे की हमारे मैरिनेशन। मैं इसमें डालूंगी 1 कप है दही, अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कीमा, कीमा है मेरे पास 1/2 किलो 1/2 kg। आप मटन या बीफ दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं। कीमे को हम अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। कीमे को मैरिनेट करके मैं तकरीबन 4 से 6 घंटे रख दूंगी, क्योंकि मैंने इसको साथ ही पकाना है शाम में। आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, पूरा दिन भी रख सकते हैं, पूरी रात भी रख सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जितना टाइम आप इसको मैरिनेशन का देंगे
उतना ही ये मज़े का बनता है। अब मैंने ले लिया है एक कढ़ाई, ये मिट्टी की कढ़ाई है, इसमें मैं अब डालूंगी ऑयल हाफ कप, एक कप इसमें पूरा ऑयल जाना था, हाफ कप हमने मैरिनेशन में डाला है और हाफ कप हम अब डालेंगे। और ये हमारा मैरिनेट किया हुआ है कीमा। बिल्कुल न्यू रेसिपी है, आप इसको बनाएं, बहुत मज़े का बनता है और एक हेल्दी फूड है। कीमे ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है क्योंकि इसमें दही वगैरह जितने भी मसाले थे ये वो सारा पानी इसमें आएगा। एक्स्ट्रा पानी मैंने इसमें नहीं डालना क्योंकि इसकी मैरिनेशन अच्छी हुई है और दही वगैरह का भी पानी है, ये इसी में ही गल जाना है। कीमा पकना शुरू हो गया है, कीमा बहुत अच्छे से पकना शुरू हो गया। अब इसको मैं ढक्कन लगा दूंगी जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। कीमा अब मैं भून रही थी, इसका पानी ड्राई हो गया था। पानी ड्राई करने के बाद कीमे को मैंने अच्छे से भून लिया और इधर साथ ही मैंने एक कोयला रखा हुआ है चूल्हे पे इसको स्मोक देने के लिए ताकि कीमे का मज़ा आए, बहुत मज़े का। ये एक फॉइल पेपर का पीस मैंने ले लिया छोटा सा, इसके ऊपर हम रखेंगे अब कोयला। अब इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल और इसको कर देंगे कवर। वाओ माशाल्लाह, इतना मजे का। अभी कोयले में स्मोक था, मैंने इसको निकाला नहीं है, मैं इसको साइड पे ही रख दूंगी क्योंकि अभी इसमें से स्मोक धुआं निकल रहा था। अब हम इस पे डालेंगे, ये मैंने अदरक काट के रखी हुई है, साथ में हरी मिर्ची है, हरा धनिया है, इसकी गार्निश करेंगे अच्छे से, कटी हुई अदरक है। थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ। और ये दो सब्ज़ मिर्चें थी मेरे पास, इनको मैंने लंबा लंबा काट लिया। कीमा हमारा हो गया है तैयार। मज़े मज़े का इंजॉय करें आप इसको, रोटी के साथ, नान के साथ, बहुत मज़े का है। आप बनाएं और मुझे बताएं कैसा लगा। इंशाल्लाह
अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।